हुकूमत दोहा में अपना दफ्तर बंद करने का ऐलान कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, कतर में तालिबान का दफ्तर एक माह कबल खोला गया था और अब अफगान तालिबान ने कतर के दारुलहुकूमत दोहा में अपना दफ्तर बंद करने का ऐलान कर दिया है। तालिबान अहलकार और सिफारतकारों का कहना है कि ये दफ्तर आरजी तौर पर बंद किया जा रहा है। तालिबान अहलकार का कहना है कि दफ्तर खोलने का मकसद अमन बातचीत के लिए सहूलत फराहम करना था। झंडा ना लगाने की इजाजत ना देने पर एहतजाजन कतर का दफ्तर बंद कर दिया है। ताज़ा तरीन आपको खबर दे रहे हैं, अफगान तालिबान का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अपना दफ्तर बंद करने का ऐलान किया गया है। कतर में तालिबान का ये दफ्तर एक माह पहले खोला गया था और ये कहा जा रहा है कि तालिबान अहलकार और सिफारतकार ये दफ्तर आरजी तौर पर बंद कर रहे हैं। वजह सामने आई है कि झंडा लगाने की इजाजत न देने पर एहतजाजन कतर का दफ्तर बंद कर दिया गया है। आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं, अफगान तालिबान ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अपना दफ्तर बंद करने का ऐलान कर दिया है। झंडा लगाने की इजाजत न देने पर एहतजाजन कतर का दफ्तर बंद कर दिया गया है।